एवरीवन, वेलकम टू सोनाली की रसोई में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज शिमला मिर्च की सब्जी, और बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालते हैं तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब देख रही हूँ तेल गरम हो गया है या नहीं। तो अब हम इसमें प्याज शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने डाल लिया है प्याज और शिमला मिर्च को। मुझे इतना ही कलर चाहिए था तो मैं इतना ही कर रही हूँ और इसे मैं निकाल ले रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना फ्राई करना चाहते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना प्रोसेस, जिसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा। काला सरसों प्याज और थोड़ी सी सौंफ। और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी। और लाल मिर्च, आप लाल मिर्च अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितना आपकी सब्जी में कलर चाहिए, अच्छा कलर चाहिए। तो इसे मैं चला लेती हूँ। ये सब आप धीमी आंच में करिए। और इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप टमाटर डालते हैं उसके आप तुरंत बाद ही इसमें नमक डाल लीजिएगा। तो देखिए मैंने नमक डाल लिया है थोड़ी देर चलाने के बाद। वो अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। फिर इसके बाद मैं मसाला डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 2 चम्मच दही और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसे हम निकालेंगे। और उस कटोरी को साफ़ करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें डाल लिया है। तो उसके बाद हम अपने फ्राई किए हुए सब्जियों को इसमें हम डाल लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। और अब हम इसे थोड़ी ढक करके पकाते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालते हैं, जो कि है गरम मसाला। और ये हमारी सब्जी बनके 1-2 मिनट में रेडी हो जाएगी। और ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।